हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुनते ही मुंह में पानी आ जाने वाले चाइनीज पास्ते की रेसिपी। ये पास्ता बच्चों से लेके बड़ों को सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। एकदम नए तरीके से ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये देखिए, बहुत ही फ्लेवर के साथ ये पास्ता बनकर तैयार हुए हैं। ये पास्ते की रेसिपी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। नमस्कार दोस्तों, रेखा सिरा किचन में आपका स्वागत है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये पास्ता लिए हैं। पास्ते की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो। और फ्रेंड्स, मार्केट में अलग अलग तरीके के पास्ता आते हैं, तो आप अपने पसंद के पास्ता ले सकते हो। पास्ता के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ कट कर रखी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च कट की है, एक प्याज, दो हरी मिर्च, थोड़े से अदरक के टुकड़े लिए हैं, 8 से 10 लहसुन की कली है और एक गाजर ली है, और साथ ही में 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। सभी को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। अब सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के लिए कढ़ाई पे मैंने पानी डाल दिया है और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 गिलास भर के पानी, और साथ ही में मैंने यहाँ पर डाला है 1 चम्मच नमक, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ऑयल। पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे पास्ता। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पास्ता को डाल के और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से चला देंगे ताकि पास्ता कढ़ाई के तले में ना चिपके। और ये देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पर पास्ते को बॉईल कर लेना है। कुछ मिनट के लिए पास्ते को मैं यहाँ पर ढक देती हूँ ताकि पास्ता जल्दी बॉईल हो जाए। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे ढक के भी पका लिया है और पास्ता अच्छे से बॉईल हो गए हैं। पास्ता को हमें यहाँ पर और कुक नहीं करना है, क्योंकि और कुक करेंगे तो इनकी शेप ख़राब हो सकती है। और ये देखिए, यहाँ पर मैं पास्ता को आपको कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसानी से कट हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पर ऐसे ही बॉईल करने हैं, ना ही ये कच्चे हैं और ना ही ज़्यादा और कुक हुए हैं। तो इस तरीके के हमें इन पास्तों को बॉईल कर लेना है। अब जार की सहायता से हम इसे इस तरीके से एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, कितने खिले खिले ये पास्ता बॉईल हुए हैं। पास्ता को आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, इनकी शेप भी नहीं बिगड़ी है और ये बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गए हैं। और बाकी के जो हल्का सा कच्चापन है, वो उसे हम सब्जियों के साथ में पका लेंगे। अब पास्ता बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। साथ ही में अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ अदरक। लहसुन और अदरक को 30 सेकेंड के लिए भून लेंगे ताकि इनका हल्का सा कच्चापन निकल जाए। ज़्यादा और कुक नहीं करना है। और अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो प्याज को भी हल्का सा ही फ्राई करेंगे फ्रेंड्स, यानी कि कुछ सेकंड के लिए ही प्याज को फ्राई करना है। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ गाजर। सभी सब्जियों को मैंने यहाँ पर बारीक बारीक कट करके लिया है। गाजर को डाल के और इसे भी हल्का सा भून लेते हैं। अब हम इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च को ऐड कर देंगे। और ये देखिए, शिमला मिर्च को डालने के बाद इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर हाई कर रखा है और हाई फ्लेम पर ही मैं यहाँ पर सब्जियों को भून रही हूँ। और अब बारीक कटी हुई हरी मिर्च को डाल के और 1 से 2 मिनट के लिए सभी सब्जियों को मैंने हाई फ्लेम पर भून लिया है, क्योंकि यहाँ पर सब्जियों को हमें और कुक नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो इन सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर को डाल के और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पर टमाटर डाला है, तो अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पास्ते का जो सीक्रेट मसाला होता है, ओरिगैनो। ऑर्गेनो डालने से पास्ते में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर फ्रेंड्स आपके पास ये मसाला ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब सभी मसाले डालने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा
पानी जो कि मैंने पास्ता बॉईल किया था वही पानी मैंने बचा के रखा था और उसी पानी को मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो इससे मसाले में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम मसाले को ढक के पकाएंगे और ये देखिए यहाँ पर मसाले से अच्छे से ऑयल रिलीज हो गया है और बहुत ही अच्छे से ये मसाले पक गए हैं। टमाटर यहाँ पर अच्छे से गल गए हैं और सब्जियों में हल्का सा क्रंचपन है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ टोमेटो केचप। टोमेटो केचप मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम टोमेटो केचप को भी सब्जियों में अच्छे से मिक्स करके और इसे भी पका लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये पक गया है। अब हम लास्ट में डालेंगे पास्ता। तो ये देखिए पास्ते को मैं यहाँ पर इस तरीके से हिला के डाल रही हूँ तो एकदम खिले खिले ये पास्ता है। और ये देखिए पास्ते को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के अंदर और बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो गए हैं। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कितने सुपर टेस्टी ये पास्ते बनकर तैयार हो गए हैं। बिना झंझट के ये पास्ते की रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है और फ्रेंड्स ये खाने में हर किसी को पसंद आते हैं। अब हम पास्ते को प्लेट में सर्व कर लेंगे और ये देखिए बहुत ही यम्मी ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा।